ये वाला खेत से काटना है। यहाँ पे आई है लीची, अभी कच्ची है पकी नहीं है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी लालकुआ में और अभी बिंदु खत्ता जा रहे हैं। अभी हम टेम्पू में बैठे हैं। हेलो हेलो, ना हम लोग की पहचान हो, मैं क्लीम नहीं खोलिया। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और जय श्री राधे कृष्णा। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, हम भी स्वस्थ हैं मस्त हैं। तो अभी सुबह के बजे हैं 7 बजे से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और हम हो रहे आज तैयार। आज हम हल्द्वानी जा रहे हैं और मेरी भांजी की शादी है, वहाँ जा रहे हैं हम लोग। आपको भी दिखाएँगे और कैसा रहता है आज का हमारा सफ़र, ठीक है? तो मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ और बाल हाल बनाती हूँ। जैसे कि मैं अभी अपनी दुकान में ही हूँ, घर में तो मैं बंद करके आ गई, सब सारे दरवाजा बंद करके आ गई हूँ, दुकान में ही हूँ। हम सब लोग जा रहे हैं, एक हमारी बूढ़ी अम्मा और मेरा एक भतीजा, वो घर में ही है, वो यही रहेंगे, सारा देखभाल करेंगे। हम लोग जा रहे हैं, आपको भी दिखाएंगे, ठीक है? तैयार हो गई हूँ और कल मेरा बड़ा बेटा चला गया है, आज हम मेरा छोटा बेटा और मेरे पतिदेव और मेरी जेठानी हम जा रहे हैं। तो हम सब लोग बैठ गए हैं गाड़ी में। ओ, चलो जा। हम गरुड़ पहुंच गए हैं, अभी बस में बैठ गए हैं और अभी खाली है बस, कोई नहीं बैठा बस में, एक दो जने हमारी हैं ये। तो हम बैठ गए हैं गाड़ी में, बस में बैठे हैं, जाने लगी बस और स्टार्ट हो गई है। अभी हम बैठे हैं खैरना में और यहाँ पे हम रायता और समोसा खा रहे हैं और मैं पराठे बना के लाई थी और रायता और पराठे खाते हैं। यहाँ का दृश्य दिखाती हूँ। हाँ ये देखो, यहाँ पे नदी है और इसके पीछे है ये होटल। खैरना ही होगा भी, खैरना है कोसी, लोहाड़ी चमड़िया कोसी ना, खैर नदी है कोसी, कोसी नदी है ना। हाँ तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं घर में और यहाँ पे अभी मिर्ची लग रही है ये, और ये देखो ये हाथ ही हाथ दिखा रही है, ये मेरी दूसरे नंबर की भांजी है, ये देखो ये हमारी दीदी है और ये छोटी वाली भांजी है, इसको शर्म लग रही है, अपना चेहरा नहीं दिखा रही है। ये देखो यहाँ पे लग रही है मेहंदी, आधी सूख चुकी है और आधी और लगा रहे हैं। तेरा नाम क्या है रे? बता रहे कोमल, इसको कैसे पता है मन्नू को? दीदी बोल, भी तेरी भी दीदी हुई हो सकल मान्य खाना, उसकी उसको शर्म लग रही है ना, अपने आप रहता है। वो की फेमस, उसकी मम्मी पापा कहीं डांटेंगे। कौन सा वो देख ये नहीं है, ये मेरी मेहंदी है, ये मेरी मेहंदी है, लग रहा है कि इसने पान खा के, पान खा के थूका है ऐसा लग रहा है। भाई हमारे बिस्किट क्रीम वाले खा रहे ये भूखे लोग हैं, हम भूखे भूखे प्यासे। ये रही दुल्हन, दुल्हन अभी आ रही है अपना फेशियल करके, फेशियल करके आ रही, फेशियल करके चलेगी, भागी भागी फेशियल करके। शाइनिंग मार रहा है इसका मुंह, देखो गाइस भाग चुकी है, भाग चुकी है अंदर, भाग चुकी है।
ब्लॉगर है ये, वो छोटी मोटी ब्लॉगर है। तो यहाँ पे हमारी लड़की लगा रही है मेहंदी, पूरा लग जाएगी तो आपको भी दिखाएंगे, ठीक है। दोस्तों ये मेरी नातनी है, मेरी बड़ी भांजी की बेटी है ये। ये देखो इधर देख दो, ए पिंचू, अरे लड़की इधर देखो, प्रांची प्रांची तेरे पापा आ गए, वो पापा आ गए, पापा आ गए। तो यहाँ उल्टे हाथ में मेहंदी लगा रहे हैं। अरे कल मैं ब्लॉग बनाऊंगी ना, हमारी दीदी गाय भैंस भी आके ला गई है, बहुत ब्लॉग बनाऊंगा तुम्हारी बेटी। नहीं ब्लॉग बनाऊंगा तुम उच्चर काला, मैं ब्लॉग बनाऊंगी तो मेहंदी का शौक है। तो मैं दिखाती हूँ आपको दीदी का घर, तो दिखाया नहीं मैंने आपको। यह है गेट और यहाँ पे मंदिर बना रखे हैं, ये लीची का पेड़ है और यह है दीदी का घर। कितने अच्छे फूल लगा रखे हैं दीदी ने। यहाँ पे मंदिर बना रखे हैं इन्होंने। अच्छा लगता है यहाँ पे ना, ये देखो यहाँ का दृश्य कुछ इस तरह है। वो छत में लड़ी लगा रहे हैं। कौन है प्रिंसु? वो कौन है, वो कौन है बता दे। वो एक वो है, क्या है इसका नाम? गुन्नू बोल दे। ये गुन्नू, ये प्रिंसी, प्रियांशी मेहंदी भी लगा दी है और ये भी बताना कैसी लगी है हमारी मेहंदी। अच्छी लग रही है, एक हाथ में लगा दी अभी मैंने, एक हाथ में कल लगाऊंगी। हेलो हेलो गाइस बोल दे, हेलो कैसे हो आप लोग बोल दे। ये है दीदी लोगों का घर। तो अब दिखाऊंगी मैं आपको बिंदु कथा का गांव। अब हम लोग खेत में घास काटने जा रहे हैं, तो हम अब खेत में जा रहे हैं घास काटने। और यहाँ का घास चेरी हुआ, मक्का और चेरी बोते हैं। तो किचू यहाँ गो तो देखो ना भाई। तो ये है खेत, यहाँ से काटना है अभी घास, मक्का और चेरी बो रखी है इसमें। ये देखते हैं, हाँ ये काटेंगे। मैंने तो मेहंदी लगा रखी है। ओ तेली बार जाओ हो कशी हो देखो यो हो बस जल्दी पन पलो मेल मेल वा काटो। मैं आ आई मगर याद ना हूं। हां मां के टाइम जब यानी रुचा हां
कच्चा एक खाली चाय बनाती थी मैं, अच्छा और सब इतना गंदा बनाती थी क्या बता दूं। कच्चे भाई हो तेरे को लगता होगा कि वैसे खाना बनाती होगी ये। हाँ मतलब पहले ना पहले आप खाना बनाऊं जो नहीं उन्हें बोलती हो बे, वो शादी के टाइम में आई थी जब मैं। कुछ इस तरह हो रहा है यहाँ का मौसम। अभी धूप आई है, शाम के 5:30 बज चुके हैं। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। बाय बाय।